ये रोता बिलखता चेहरा देख रहे हैं ना आप, ये अर्जुन है। शादी विवाह में बैंड बाजा बजाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से ये बेरोजगार हो गए हैं। लिहाजा इन्होंने पुलिस से मदद मांगी है पैसों की, ताकि जहर खरीद सकें और अपने परिवार को भूखे पेट मरता ना देख सकें। नहीं था। फिर कहां से मिला आपको राशन? पुलिस वाले लोगों ने दिया सर। अच्छा। मोती गार्डन के पास आया तो उन्होंने दिया, नगर पालिका भी दिया था, दूर बच्चों को लेके सर, तो उन्होंने दिया मेरे को राशन पानी। तो अभी है खाने के लिए मेरे पास में रखा है, अभी दे दिए। क्या कहना चाहेंगे पुलिस के बारे में? सर अच्छे लोग हैं, हम तो ये कहना चाहते कि अच्छे लोग हैं सर, हम यही कहते सर, और कुछ नहीं कहते। हमारी तो साथ है कि छोटी छोटी बच्ची है सर, कोई कदम नहीं था हमारे पास, हमने ये कदम उठा लिए तो हमने अच्छा किया। आज हमारे बाल बच्चे घर में खा रहे हैं सर, रह रहे हैं। पत्नी भी काम करती थी सर, अब वो भी घर में बैठी है, तो हमने ये कदम उठा लिया। ठीक, अब तो नहीं उठाऊंगे ऐसा कदम? नहीं सर, नहीं उठाएंगे सर। अर्जुन की मांग सुन पहले तो पुलिस भी हैरान रह गई, लेकिन जब पुलिस को अर्जुन की बेबसी के बारे में पता चला तो उन्होंने तत्काल अर्जुन को मदद करने का फैसला किया, और चंद घंटों में ही पुलिस वालों ने अर्जुन के घर 2 महीने का राशन पहुंचा दिया। सर एक वार्ड नंबर 23 का एक युवक आया, दो अपने बच्चियों को लेकर, एक बच्चे बच्ची को लेकर, और मैं लॉकडाउन ड्यूटी में तैनात था, उसी दौरान जब बच्चियों को लेकर आया और कहा कि मुझे गोली दे दो, हम खा के मर जाएंगे परिवार सहित, तो मैंने इसको बड़ा गंभीरता से लिया कि ये वजह क्या है। तो जब मैंने डिटेल से पूछा तो नाम बताया अपना अरविंद बंस का। इसके बाद उन्होंने उससे परेशानी मैंने पूछा तो बोले कि घर में कुछ भी नहीं है, 3-4 दिन से हम चावल में नमक और मिर्च मिला के खा रहे थोड़ा थोड़ा, अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस परिपथ से फिर हमने उसको नगर पालिका भेजे, वहाँ पे भी व्यवस्था हुई नहीं, फिर हमने अपने विवेक से, अपने साथीदार स्टाफ की मदद से उसकी 1-1.5 महीने की खुराक की व्यवस्था कर दी। पुलिस अधिकारियों की माने तो अर्जुन के घर पर रोजमर्रा के हर जरूरी सामान को भिजवा दिया गया है, और साथ ही ये भरोसा दिया गया है कि अब जब कभी भी उसको परेशानी हो तो थाने में आए, उसकी हर परेशानी दूर की जाएगी। फिलहाल कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए अर्जुन के घर सहायता पहुंचाकर मध्य प्रदेश पुलिस ने मिसाल पेश की है। देखिए, ये एक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत कठिन समय चल रहा है, जिसमें हमारे यहाँ समाज में ऐसे कई वर्ग हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा परेशानी के दौर से आर्थिक रूप से भी गुजर रहे हैं बीमारी के साथ साथ। इसी तरह हमने कल एक परिवार का, एक गरीब परिवार का एक व्यक्ति आया हमारे पास, जिसकी मतलब उसके घर में ऐसे हालात थे कि वहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं था, और वो बहुत परेशान था, जिसको देखते हुए जो मेरा स्टाफ है, तो पूरी टीम SI ध्रुवे और इनके साथ जो दो आरक्षक थी, महिला आरक्षक, इनको जब उससे परेशानी पूछी तो उसने बताया कि मतलब ऐसी स्थिति है कि वो जहर खा के जान देना चाह रहा था, तो उसके घर में राशन नहीं था। इस वजह से इन्होंने एक मानवीयता दिखाते थे, और उस कठिन समय में ये जो आधी दोपहर में भी आप देख रहे हैं, आधी रात को भी देख रहे हैं, पुलिस ड्यूटी भी कर रही है, बट उसके साथ साथ भी इन्होंने इतनी हमदर्दी दिखाते हुए, एक मानवीय पहल करते हुए, अपने खुद के पैसों से, कुछ लोगों ने पैसे मिला के उसको 2 महीने का राशन दिलाया, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसकी सराहना हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, श्री ODD साहब द्वारा, SP साहब द्वारा, सभी के द्वारा की गई।